नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है और बात करते हैं बड़ी खबरों की। दाऊद के गुर्गे शकील ने लगाया भारतीय एजेंसियों पर आरोप। दाऊद इब्राहिम और उसका सबसे करीबी गुर्गा छोटा शकील अब भारत नहीं लौटना चाहते। एक अंग्रेजी अखबार को दिए गए इंटरव्यू में शकील ने बताया कि वे 1993 के मुंबई ब्लास्ट के बाद भारत लौटना चाहते थे, लेकिन तब भारत सरकार ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। अब वे खुद लौटने के इच्छुक नहीं है। शकील ने भारतीय एजेंसियों पर आरोप लगाए कि वे गैंग्स के बीच में भेदभाव करती है। भारत सरकार कभी छोटा राजन को पकड़ने के बारे में बात क्यों नहीं करती, जब एजेंसी ये जान सकती है कि मैं उसके खिलाफ जाल बुन रहा हूं और जानती है कि वो कहां है, तो उसे पकड़ती क्यों नहीं? क्या उसने लोगों को नहीं मारा? क्या वो अपराधी नहीं है? छत्तीसगढ़ में 36,000 करोड़ रुपए का धान घोटाला, कहा कांग्रेस ने। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह पर 36,000 करोड़ रुपए के धान घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे और मामले की उच्चतम न्यायालय की निगरानी में जांच कराने की मांग की। कांग्रेस प्रवक्ता अजय माकन ने कहा कि घोटाले में सिर्फ डॉक्टर सिंह ही शामिल नहीं है, बल्कि उनकी पत्नी, उनकी साली और उनके रसोइये का नाम भी शामिल है। इस घोटाले के पुख्ता सबूत हैं और इसमें शामिल लोगों के नाम डायरी, पेन ड्राइव तथा अन्य दस्तावेजों में मौजूद है। माकन का कहना है कि धान की फसल की तैयारी से लेकर उसकी बिक्री तक में घोटाला हुआ है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को मिली एक डायरी में स्पष्ट खुलासा हुआ है कि घोटाले में मुख्यमंत्री और उनके परिवार के लोग के नाम शामिल हैं। नाइजीरिया में 48 घंटे के भीतर 200 लोगों की मौत। उत्तर पूर्वी नाइजीरिया में आतंकी संगठन बोको हराम ने कत्लेआम का खेल जारी रखते हुए पिछले 48 घंटे में करीब 200 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी ने इसे अमानवीय और बर्बर करार दिया है। कत्लेआम की खबर पहले गुरुवार को तब सामने आई थी जब बोर्नो राज्य के 3 गांवों पर हुए हमले में जीवित बचे लोगों ने इस बारे में जानकारी दी। गुरुवार शाम की हिंसा में कम से कम 145 लोग मारे गए थे और अनेक मकान जला दिए गए थे। यदि नींद कम आती है तो सावधान हो जाइए। कम नींद से आत्मनियंत्रण व नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जिससे इंसान की व्यक्तिगत और पेशेवर जिंदगी प्रभावित हो सकती है। अमेरिका के क्लेमसन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन में पाया है कि अच्छी नींद से वंचित रहने वाले इंसान में बेपरवाही पैदा होने का खतरा होता है और इस वजह से उसकी निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। उन्होंने कहा कि हमारे अध्ययन में ये पता लगाया गया है कि सोने की आदतें और आत्मनियंत्रण आपस में जुड़े हैं और कैसे दोनों साथ मिलकर किसी इंसान के रोजाना कामकाज को प्रभावित कर सकते हैं। कम नींद से वजन बढ़ने, तनाव समेत कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं। वेब दुनिया समाचार में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों और अन्य जानकारियों को जानने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.webdunia.com पर।